सियालकोट 29 मील। सियालकोट 28 मील। हम उस सड़क पर सफर कर रहे हैं जो पाकिस्तान को जाती है। ये तवील सीधी सड़क फासले के साथ साथ धुंधलाती चली जाती है और सियालकोट और उससे परे लाहौर को जाती है। कई साल पहले बिल्कुल इसी मौसम में और शाम के ऐसे ही धुंधलके में मैंने आखिरी बार इस सड़क पर सफ़र किया था। उस ज़माने में यह सड़क पाकिस्तान जाने वाली सड़क नहीं थी। उस ज़माने में यह सड़क जम्मू सियालकोट रोड थी। मैं श्रीनगर से सुबह रवाना हुआ था और स्टेशन वैगन ने सांप की तरह लहराती हुई बनिहाल सड़क की मसाफत जर्नी 9 घंटे से पेशतर ही तय कर ली थी। वादी से परे बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्तों से होती हुई अनंतनाग तक और फिर नाशेब के पहाड़ियों से तेजी से गुजरती हुई और बनिहाल के सख्त चढ़ाई के गिर्द चक्कर लगाती हुई ठिठुरती हुई ये सड़क बादलों की सतह से भी कुछ ऊपर आ जाती है और फिर उधमपुर से होती हुई वादी जम्मू में उतरती है जो निस्बतन गर्म इलाका है। सियालकोट 26 मील। ये सड़क फासले के साथ साथ ही उतरती है और हर 100 फीट के बाद ओवरकोट स्वेटर और फिर मफलर उतारने पड़ते हैं। सुनहरे गुंबदों वाले मंदिरों और गुंजान आबादी के छोटे से शहर जम्मू से होती हुई ये सड़क सीधी सियालकोट आती है, फिर लाहौर, फिर अमृतसर, अंबाला, करनाल, पानीपत, दिल्ली और फिर आगरा और इलाहाबाद होती हुई ये सड़क कलकत्ता जाती है जहां समंदर को छूती है। मैं श्रीनगर से आ रहा था जहां मैंने रूह को लहरा देने वाले कश्मीर को छोड़ दो के नारे सुने थे। लाहौर से मुझे दिल्ली और बंबई जाना था ताकि मैं तकरीर और तहरीर के जरिए लोगों को बताऊं कि मैंने कश्मीर में कैसी बड़ी बड़ी और अजीब बातें देखी और सुनी हैं। सियालकोट 12 मील। सियालकोट 11 मील। हर मिनट के बाद सड़क के किनारे लगा हुआ मील और फरलांग बताने का एक पत्थर तेजी से गुजर जाता था। मैं खिड़की के पास आराम से सीट पर टेक लगाकर बैठ गया और मेरी नजरें मनाजिर के हुस्न और सुकून में खो गईं। दिन भर की मेहनत के बाद किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर सड़कों पर घास के बड़े बड़े गट्ठर लिए बैलों की जोड़ियों के पीछे अपने अपने घरों को लौट रहे थे जो हमारी सड़क के दोनों तरफ थे। आज फिर वही तलिस्मी लम्हा था, वही खामोश मंजर, वही सड़क, वही आसमान और वही जमीन थे और उफक में डूबता हुआ सूरज का नारंगी गेंद भी वही था। सियालकोट 9 मील। मेरे ख्यालात जीप से ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे। सियालकोट, अमृतसर, लाहौर, जालंधर, अंबाला, पानीपत, दिल्ली, सियालकोट 8 मील। लेकिन नहीं, नहीं, एक झटके के साथ जीप रुक गई। सोचितगढ़ की चुंगी की चौकी पर रियासत जम्मू और कश्मीर की सरहद खत्म हो गई और यहां सड़क कांटेदार तारों से बंद थी। बाएं हाथ को चंद फीट पर तार और टेलीफोन के तार कटे हुए थे। तार की दीवार के दोनों तरफ सड़क पर एक एक खंभा था लेकिन उन दोनों के दरमियान के तार कटे हुए थे। दोनों तरफ के इंसानों के रिश्ते मुनक़ता हो गए हैं। क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इन टूटे हुए तारों को जोड़ दे? मैथमेटिक्स का मशहूर एक्सियम कि दो नुक्तों के दरमियान सबसे कम फासला एक सीधी लकीर है अब सही नहीं रहा। सड़क पर आधे मील आगे सरहद की हिफाजत करने के लिए पाकिस्तानी फौज का दस्ता है लेकिन अगर वो सोचितगढ़ में तैनात हिंदुस्तानी फौज से कोई बातचीत करना चाहे तो उसे ये करना पड़ेगा कि तार से सिग्नल भेजे
और ये सिग्नल सियालकोट, लाहौर, अमृतसर, पठानकोट और जम्मू होता हुआ सोचितगढ़ आएगा। जो काम सिर्फ एक तरफ से चीख कर दूसरी तरफ इत्तला कर देने से हो सकता है, उसके लिए 200 मील का चक्कर हो गया है। उस वक्त ही मुझे मालूम हुआ कि 200 मील की जर्नी तय करके सियालकोट के पाकिस्तानी कमांडिंग ब्रिगेडियर का एक पैगाम हिंदुस्तानी ब्रिगेडियर के पास आया हुआ था कि वो मुलाकात करना चाहता है। ये मुलाकात दोस्ताना और तहजीबी थी। इस तरह एक बार कांटेदार तारों की दीवार सड़क पर से हट गई और पाकिस्तानी फौज के नौजवान ब्रिगेडियर की जीप हिंदुस्तानी इलाके में आ गई। ये दोनों ब्रिगेडियर एक दूसरे के पुराने दोस्त निकले। दोनों मिलिट्री एकेडमी और स्टाफ कॉलेज में साथ साथ थे और एक दूसरे को पहले नाम से पुकार रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई और गले मिले। फिर दोनों चाय पर गुजरे दिनों के किस्से लेकर बैठ गए। पाकिस्तान का ब्रिगेडियर जो शायद भोपाल का रहने वाला था, उसने बताया कि उसकी बीवी हैदराबाद में है और इस फिक्र से वो परेशान है। हिंदुस्तान के ब्रिगेडियर ने पता लगाया कि वो खैरियत से है। आह, ये जानकर तसल्ली हुई। शुक्र है खुदा का। हम लोगों में सुना जा रहा है कि तुम लोग हमला करने वाले हो। नहीं नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो हमारा ऐसा इरादा है और ना ही हमें कोई ऐसा हुक्म मिला है, हिंदुस्तान के अफसर ने यकीन दिलाया। उसके बाद दोनों ने हाथ मिलाए, पाकिस्तान की जीप वापस चली गई और कांटेदार तारों की दीवार फिर सड़क पर खींच गई। मैंने तारों की उस फसील को देखा और मेरे जहन में ये ख्याल गूंजने लगा कि ये जंग आलूद फसील हिंदुस्तान का डिस्टॉर्टेड मंजर है। गंदे कांटेदार जो खूबसूरत मंजर का सत्यानाश कर रहे हैं। मेरा शिद्दत से जी चाहा कि उसको तोड़ दूं और हमारी जीप सियालकोट जाए, वहां से लाहौर और अमृतसर होती हुई सीधी दिल्ली। क्यों नहीं, ऐसा एक बार हुआ था, अब क्यों नहीं। कुदरती इंस्टिंक्ट्स उन मसनवी हदों से बगावत कर रही थी जिनका डिटर्मिनेशन सियासतदानों ने किया था। मैंने दाहिनी तरफ मुड़के देखा। मेरी नजरों के सामने सोचितगढ़ का देहात था, लेकिन वीरान था। उन सरहदी देहातों में कई मील तक झोपड़ियां हैं, मगर बगैर छप्पर या खपड़ेल की। खेत हैं मगर उनमें फसलें नहीं। मैंने बाईं तरफ मुड़के देखा। तारों की दीवार के उस पार पाकिस्तानी इलाके में करीब आधे मील पर सोचितगढ़ का रेलवे स्टेशन था। वो रेलवे स्टेशन नहीं था, सिर्फ उसका भूत था। वो भी हिंदुस्तानी इलाके के देहात की तरह वीरान था। मैंने चंद लम्हों के लिए नुकीले तारों की फसील हटाने की इजाजत हासिल कर ली। मैं, मेरा दोस्त और सिख कप्तान जो हमें स्कॉट कर रहा था, पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो गए। मुझे मालूम नहीं कि मैंने कोई इंटरनेशनल कानून तोड़ा था। एक साल बाद मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि मैं खुद को पाकिस्तान में किस तरह महसूस करूंगा। वहां रहने के बाद वो चाहे मैं एक लम्हा ही क्यों ना रहा हूं, मैं ये बता सकता हूं कि वहां रहने की क्या फीलिंग्स है। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं, वही जमीन और वही आसमान। मैंने सड़क के पाकिस्तानी हिस्से पर किसी चीज को हरकत करते देखा। मैंने कप्तान से उसकी दूरबीन मांग ली। एक किसान अपने सर पर घास का गट्ठर लादे जा रहा था। बोझ इतना ज्यादा था कि वो दोहरा हुआ जा रहा था। दूरबीन के ताकतवर शीशों ने उसे मुझसे बिल्कुल करीब कर दिया था। मैंने देखा कि वो फटी हुई मैली जैकेट, फतूही और पंजाबी तहबंद पहने हैं। मैंने घूमकर दूसरी तरफ देखा। सड़क के हिंदुस्तानी हिस्से पर बिल्कुल उसी तरह का एक किसान सर पर घास का गट्ठर लादे जा रहा था। बोझ इतना ज्यादा था कि वो भी दोहरा हुआ जा रहा था। मैंने देखा कि वो भी फटी हुई मैली जैकेट, फतूही और पंजाबी तहबंद पहने हैं। और उस एक लम्हे में मैं नहीं बता सकता था कि किस तरफ पाकिस्तान है और किस तरफ हिंदुस्तान है।